तो आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने ओप्पो का A78 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया में और हम आपके सामने लेके आ गए हैं यही 5G स्मार्टफोन जो सिर्फ आपको 18,000 रुपए में देखने को मिलता है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो ओप्पो ने एक बेहतरीन सा थोड़ा काम किया है क्योंकि 18,000 रुपए में एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, वो भी ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अभी मैं इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं फिर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और इसकी डिजाइन की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही डिजाइन मेरे को फील हुआ है। सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूं। अनबॉक्स करते ही हमें ये मेन देखने को मिलता है, एक छोटा सा बॉक्स। और ये नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है हमारे ये एक मेन डिवाइस जो आप देख सकते हो। इसको मैं एक बार साइड में रखता हूं, इसके बारे में बात करने वाले, इसके डिजाइन को लेके, इसके स्पेसिफिकेशंस को लेके, ये सारे बातें हम करने वाले। इस स्मार्टफोन में आपको 33 वाट का सुपर वुक चार्जर भी मिलता है, साथ में इसमें देखने को मिलता है आपको टाइप सी चार्जिंग केबल भी। और इस बॉक्स में हमें देखने को मिलता है जो ओप्पो हर मोस्टली स्मार्टफोन में देता है एक ये कवर जो आप देख सकते हो सिलिकॉन का कवर होने वाला है। इसमें एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिलता है। मैं इस बॉक्स को साइड में रखता हूँ, मेन हम इस डिवाइस की बात करते हैं। ये मेरे पास जो देखने को मिलता है ये स्काई ब्लू कलर मेरे को देखने को मिलता है और ये इसमें आपको दो कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। बिग लेंस वाला थोड़ा सा चलन अभी चल गया है तो इसमें काफी बड़े बड़े कैमरे भी देखने को मिलते हैं, बट इसका डिजाइन मेरे को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा है। और इसमें जो बैक पैनल देखने को मिलता है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको राइट हैंड साइड में आपको पावर अनलॉक का स्विच देखने को मिलता है, यही आपका फिंगरप्रिंट, साइड फिंगरप्रिंट भी होने वाला है। नीचे की साइड हम देखते हैं तो इसमें 3.5mm जैक देखने को मिलता है, आपका माइक देखने को मिलता है, यहीं पे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है और स्पीकर देखने को मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड आपको सिम ट्रे देखने को मिलते हैं जो एक हाइब्रिड सिम होने वाली है, या तो आप दो सिम यूज कर सकते हो या आप एक सिम और आप एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स भी, और कोई भी आपको नॉइस कैंसलेशन के लिए कोई भी माइक नहीं देखने को मिलता है एक्स्ट्रा। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो HD+ डिस्प्ले होने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मेरे को फील हुआ है ओप्पो की तरफ से। इस स्मार्टफोन को मैं फटाफट से सेटअप कर लेता हूं और इसके कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर वाला कैमरा देखने को मिलता है, कोई भी आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में सेल्फी जो कैमरा दिया है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। ओप्पो ने सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 5G की तरफ ज्यादा ध्यान देके बाकी फीचर्स इसमें काफी कम कर दिए गए हैं। ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो 8GB रैम 128GB मेमोरी में देखने को मिलता है। वहीं पे आपको इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में ही 33 वाट के वुक चार्जर के साथ में। अगर हम इसमें OS की बात कर लेते हैं तो इसमें कलर OS 13 दिया गया है, वो भी आपको एंड्रॉयड 13 के साथ में ही। ये काफी एक बेहतरीन बात लगी है क्योंकि ओप्पो थोड़ा सा इन स्पेसिफिकेशंस के मामले में थोड़ा पीछे रहता है, बट आपको एंड्रॉयड 13 भी देखने को मिलता है जो 2-3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट भी मिलने वाले हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करता हूं तो इसका डिजाइन मेरे को थोड़ा सा हटके नहीं लगा है और फीचर्स भी थोड़े से हल्के फुल्के कम दे दिए गए हैं, बट ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए हम इस स्मार्टफोन में अज्यूम कर सकते हैं कि 5G की तरफ ओप्पो ने ज़्यादा ही ध्यान दिया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।